जब ये पीसेस में काट के रखें, 15 मिनट एक साइड पे रखें, एक साइड से वो अच्छे से टेंडर हो जाए, फिर उसकी साइड चेंज करें, 15 मिनट दूसरी साइड से रखें, फिर इसका इस तरह कलर आएगा दोनों साइडों पे, तो ये रेडी होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी पफ पेस्ट्री, जिसके लिए मैंने ये मैंगो रखे हैं, हाफ लेमन यूज़ करूँगी, ये स्ट्रॉबेरी जैम, गोल्डन शुगर ये 2 टेबल स्पून है, और पफ पेस्ट्री डो मैंने मार्केट से ली है। अगर आपको पफ पेस्ट्री की डो की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पफ पेस्ट्री की रेसिपी दूंगी, पफ पेस्ट्री डो की रेसिपी दूंगी। ये मैंगो मैं चॉपर में ऐड कर रही हूँ। मैंगो मैंने इस तरह चॉप किए हैं, ये मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, फ्लेम मैंने ऑन करके फ्राई पैन रखा हुआ है, साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ये मैंगो। मैंने इस तरह चॉप किए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए, ये हाफ लेमन मैं यूज़ कर रही हूँ, ये 3 टेबल स्पून शुगर मैंने और ऐड की है, थोड़ा सा मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, मैंगो रेडी हो गया, मैंगो जैम। अब हम बनाना शुरू करते हैं। बटर मैंने गरम करके रखा हुआ है, ये जिस डिश में मैंने बेक करनी है पफ पेस्ट्री उसमें थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको रोलिंग पिन से रोल करते हैं। ये देखें, इस तरह मैंने ये डो को बेल के रखा है। अब हम अप्लाई करते हैं ये मैंगो जो मैंने अभी रेडी की है। इस तरह मैं इसको रोल करूँगी। ये इस तरह मैंने इसको बनाया है। ओवन को मैंने प्री हीट पे ऑन किया हुआ है। अब हम इसको रखते हैं ओवन में। ये वाली मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ये इस शेप में बनाऊंगी, इसको मैंने इस शेप में बनाया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जैम, अब मैं इसको इस तरह बनाऊंगी, इसी तरह मैं दूसरी भी बनाऊंगी। ये वाली इस तरह मैंने बनाई है, इनको अब मैं बेक करने के लिए रखती हूँ। सिक्सटीन मिनट हो गए हैं, अब मैं इसके ऊपर अंडा अप्लाई कर रही हूँ। अंडा अप्लाई करके अब मैं इसके ऊपर ये थोड़े से तेल लगा रही हूँ। अंडा अप्लाई करके ऊपर मैंने तेल लगाए हैं, अब मैंने फिर इसको रखा है।
इसके ऊपर मैं एक बार फिर अंडा अप्लाई कर रही हूँ। 40 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको निकालते हैं। 350 डिग्री पे बेक पे मैंने रखा हुआ था, 40 मिनट में ये रेडी हुई है। थोड़ा सा अब मैं इसके ऊपर बटर अप्लाई कर रही हूँ। इसकी हम करते हैं कटिंग और फिर आपको दिखाते हैं। मैंने इसकी कटिंग की है, जरा कटिंग करके मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रखती हूँ। फिफ्टीन मिनट मैंने अब रखा है इसको। पफ पेस्ट्री को जब मैंने पीसेस में काटा, उसके बाद मैंने 15 मिनट एक साइड से बेक किया, फिर साइड चेंज किया, फिर 15 मिनट मैंने दूसरी साइड से बेक किया। देखें जी, मैंगो पफ पेस्ट्री रेडी है, बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको हमारी मैंगो पफ पेस्ट्री की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।